गीजगढ़ में आज काफी चहल पहल है और सभी लोग उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज साक्षरता कार्यक्रम तारा अक्षर का समापन समारोह है, जिसमें गीजगढ़ की 120 ग्रामीण महिलाओं को उनके साक्षर होने पर सम्मानित किया जा रहा है और इस कार्य में उनके परिवार के पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके प्रोत्साहन व सहयोग से आज इन महिलाओं ने ये उपलब्धि हासिल की है। वयस्क साक्षरता पर आधारित तारा अक्षर कार्यक्रम रीड इंडिया और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव संस्थाओं द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले के गीजगढ़ गांव में चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है शिक्षा से वंचित ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना, जिससे उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी सके। ये कहा जाता है कि यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा, इसलिए रीड इंडिया ने गीजगढ़ क्षेत्र में इस कार्य की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके इस साक्षरता कार्यक्रम में मात्र 49 दिनों में शिक्षा से वंचित ग्रामीण महिलाओं को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। सीमित समय अवधि वाले इस अनूठे साक्षर कार्यक्रम से अभी तक 61,000 ग्रामीण महिलाओं को साक्षर किया जा चुका है। तारा अक्षर एक साक्षरता कंप्यूटर बेस्ड साक्षरता कार्यक्रम है, जो किसी भी व्यक्ति को 49 दिन में हिंदी पढ़ना, लिखना और गणित की जानकारी देता है। अभी तक तारा अक्षर ने 61,000 महिलाओं को साक्षर कर दिया है। बेहद रुचिपूर्ण और कारगर इस साक्षर कार्यक्रम की हर कक्षा 2 घंटे तक चलती है, जिसमें छात्रों को हिंदी पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया जाता है। इस कार्य में कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो तारा अक्षर प्रोग्राम है, ये एक कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को 22 दिन के बाद में जो रीडिंग क्लब स्टार्ट होती है उसमें हम पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। हिंदी की जो क्लासेस हैं वो 35 दिन चलती है, जिसमें 22 दिन तो लैपटॉप से इनको शुरुआत में व्यंजन और स्वरों का ज्ञान कराया जाता है और मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, और 22 दिन बाद में रीडिंग क्लब स्टार्ट होती है जिसमें इनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, और 34 दिन के बाद में 35वां दिन इनका एग्ज़ाम डे होता है, उस दिन इनका एग्ज़ाम हिंदी का दिया जाता है। इसके बाद में हमारी गणित की क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद में गणित में जो गणित की गिनतियाँ हैं उनको थोड़ा पहाड़ा और जोड़ बाकी गुणा भाग ये सिखाया जाता है। महिलाएँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आती और उन्होंने जब उनको अच्छा लगने लगा तो वो रोज़ाना आती, कैसे भी समय निकाल के, कभी उनकी वजह से हमें समय भी चेंज करना पड़ा और अच्छे से वो पढ़ने लगी। और इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या थी कि लैपटॉप के द्वारा इसमें पढ़ाया जाता है, तो लैपटॉप की वजह से उनको कहानी, जैसे हम जैसे सीरियल देखते हैं उस तरह से कहानी बहुत ही रोचक है इसमें, उनको देख देख के उनको जल्दी से याद होने लगा और वो हर अक्षर को कैसे, कब, कान, कैसे, गमला, कैसे, खरगोश, इस तरह से बोलने लगे। इसमें हमें ज़्यादा लैपटॉप की वजह से परेशानी थोड़ी कम हो गई हमें, और वो जो देखती थी वो ज़्यादा याद होता था बजाय सुनने के और लिखने के। वो यहाँ पे मेहनत करती, घर जाके मेहनत करती, अब जब उनको जब रुचि बढ़ी उनकी तो वो नियमित रूप से यहाँ पे समय समय पर आने लगी। रीड इंडिया के गीजगढ़ ज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इस तारा अक्षर कार्यक्रम में जहाँ वृद्ध महिलाओं ने भाग लिया, वहीं काफी दूर से आकर विकलांग महिला कैलाशी सैनी भी साक्षर हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश सैनी है, मेरे पति का श्री रोशन राम सैनी है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? गीजगढ़ में रहते हैं। आप तारा अक्षर पढ़ने कैसे आए? प्रियंका मैडम ने सिखा तो तारा अक्षर में पढ़ने आए और हम सब कुछ सीखे। अच्छा, आपने इसमें सीखा क्या क्या सीखा आपने?
पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब हम ना नाम लिखना सीख गए, कहीं भी जाते हैं तो किसी देश के गांव गाँव का नाम पढ़ सकते हैं, कहीं से कार्ड आए तो उसी को पढ़ सकते हैं, दूसरे को नहीं बता सकते हैं, अब हम खुद ही पढ़ देते हैं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो आप? अब हमको अच्छा लग रहा है, हम 2.5 किलोमीटर दूर से आते थे तो गले में परेशानी आती थी, तब हम कहीं बैठते बैठते ताराक्षर पढ़ लेते, फिर आपसे आने में ताराक्षर पढ़ने में आती थी जब 1 घंटा लग जाती थी, जगह जगह बैठती थी आती थी। शिक्षा से वंचित ममता सैनी भी गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में आकर साक्षर हुई, जिसका कि कम उम्र में ही अपनी बड़ी बहन के साथ विवाह कर दिया गया था। मेरा नाम ममता सैनी है, मैं पहले पढ़ने नहीं जाती थी, अभी ताराक्षर का प्रोग्राम आया तो मैंने उसका नाम जुड़वाया, पहले हम पढ़ने नहीं जानते थे, मेरी शादी हो गई थी बड़ी बहन के साथ, अब मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ, अब मुझे पढ़ने की मन में आई तो मैंने नाम जुड़वाया, तो हमको ताराक्षर पढ़ने बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीख गए ताराक्षर पढ़ने में। आपने क्या सीखा, क्या फ़ायदा मिला आपको? हमको बहुत फ़ायदा मिला, हम कहीं जाते हैं गांव का नाम पढ़ लेते हैं, हम कहीं चुनौती नहीं है, हम फोन नंबर मिला लेते हैं, हम पहले नहीं जानते थे। रीड इंडिया और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव द्वारा संचालित वयस्क साक्षरता कार्यक्रम ताराक्षर ने जहां गीजगढ़ क्षेत्र की महिलाओं को साक्षर बनाया है, वहीं उनमें आत्मविश्वास भी भरा है। मेरा नाम सुनीता है, गीजगढ़ से रहती हूँ, हमको हमारे घर पर मिली दीदी गई थी, हमने मना कर दी थी, हमारे बच्चा नहीं रहते हम नहीं आते, फिर मिली दीदी ने कि माँ लेके आना बच्चा, हमें अपने घर पे आ जाना पढ़ने की, फिर हमारी हिम्मत हुई जब हम आ गए। मेरा नाम मीरा सैनी है, गीजगढ़ में रहती हूँ, मिली दीदी हमारे घर पर गई, हमसे कहा पढ़ने चलो, मगर हमारे आदमी नाट गया था, मतलब हम पढ़वे आए और अच्छा लगा हमें, और मिली दीदी ने मतलब कंप्यूटर में हमें बताया ऐसे पढ़ना कैसे ऐसे, और हमें पढ़ना अच्छा लगा और हमें हिम्मत आई, मतलब पढ़ सकेंगे हम। मेरा नाम सुमन देवी है, मैं गीजगढ़ में ही रहती हूँ, मिली बहन जी हमारे पास में गई कि भाभी जी पढ़ने चलो, हमने मना कर दिया कि हमारे पास में काम बहुत है, खेती का है, भैंस है, बालक भी है, फिर हमारा आदमी ने फिर नाम लिख के सीख जाएंगी जाओ तुम, तो कहीं बहन जी ने भी कोशिश की, फिर हम आ वाला गया, तब हमें कग्गो और आई ई सीख वाला लगा, और बस अच्छी पढ़ाई चल रही है। गीज कर गाँव जाए सोमवती देवी मिली भाई गई फटा बगलियाँ तो कर फटोगी तो हमें मना कर दी भाई, अब अतरी से उम्र कर लिया, अतरी आधी उम्र हो गया फटर का ही में करांग खाई सीखांगा, पर फिर नहीं आया कंप्यूटर में देखी तो मान थोड़ा बहुत वाई फट भाई भाई फट लिया गए का ना ज्ञान ना होगा फटा मैं तो आया कर फिर मिल लग गया फट भाई। गीजगढ़ ज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इस तारा अक्षर समापन समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर उपस्थित महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की अपार उपस्थिति ये बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए।